मेरा नाम है अनीस। भगवान ठाकुर जी की बना रहे हैं पोशाक हम लोग, और इनका काम चलता है यहाँ पोशाक हो गया तब ये हो गए कम से कम, जब से उस समय इस काम को देख रहा हूँ मैं तो अपने टाइप के अंदर, बहुत सालों से हो रहा काम तो ये कम से कम 50 साल से बनाते चले आ रहे हैं। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहां ठाकुर जी के लिए मनमोहक और सुंदर पोशाकें तैयार की जा रही हैं। खास बात यह है कि ठाकुर जी की पोशाकें मुस्लिम परिवार बड़ी लगन के साथ तैयार कर रहे हैं। वे बेहद सजगता से ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं। ये भाईचारे की मिसाल है। इन कारीगरों द्वारा बनाई गई पोशाक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मुस्लिम परिवार भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ मुस्लिम कारीगर दिन रात मेहनत करके भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के लिए बेहद सुंदर और अनोखी पोशाक तैयार कर रहे हैं। रंग बिरंगी बनी पोशाक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। पोशाकों को बनाने का काम जहां हिंदू कारीगर करते हैं, वहीं 80% मुस्लिम कारीगर बेजोड़ कारीगरी करके इन पोशाकों को तैयार करते हैं। श्रद्धालु यहां की बेजोड़ कारीगरी के मुरीद हैं। इस जन्माष्टमी पर ठाकुर जी मोतियों और स्टोन से बनी पचरंगी पोशाकों में अपनी अलग ही छटा बिखेरेंगे। पोशाक व्यापारी पवन शर्मा का कहना है कि इस बार नई नई डिजाइनों की सुंदर सुंदर पोशाक तैयार की जा रही हैं। कई माह पूर्व से पोशाक बनाने का काम चरम पर है। यहाँ पोशाक बनाने का कार्य वैसे तो वर्ष भर चलता है, लेकिन जन्माष्टमी पर इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कारीगर हाथ से पूरी कारीगरी करके इन पोशाकों को तैयार करते हैं। काम करने वाले मुस्लिम कारीगर ने बताया कि हम ठाकुर जी के लिए बड़ी शिद्दत और लगन के साथ पोशाक बनाते हैं। भगवान के लिए बनाई गई पोशाक हमारे लिए गर्व का विषय है। भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बनाने में जो आनंद आता है वो और कहीं नहीं आता है। हम इस काम को बखूबी से अंजाम देते हैं। करीब 30 साल से भगवान के लिए अद्भुत पोशाक तैयार कर रहे हैं। अन्य मुस्लिम कारीगर ने बताया कि 15 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता है। वृंदावन में बनी पोशाकें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं। ये पोशाक 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए कीमत की होती हैं। यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, नेपाल, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक सप्लाई की जाती है। इस महीने में ज़्यादा डिमांड आती है, बाहर भी आता काम, यहाँ भी चलता है, पूरे हिंदुस्तान में आता ज़्यादा काम बनकर। संदेश यही है, भाईचारा का मामला मतलब जो भी है सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। सारे मुसलमान बनाते हैं इस पोशाक को वैसे भी। राधे राधे, मेरा नाम पवन है और मैं वृंदावन से हूँ। जन्माष्टमी वैसे तो हर साल भीड़ होती है, लेकिन इस बार विशेष भीड़ देखने पर मिल रही है। और पोशाक तरह तरह की बिकती है, लेकिन एक बढ़िया भारी जरी की, मोर पंख वाली, कुछ ऐसी डिजाइनर कैरी वाली, इन पोशाकों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।